नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ छायाकार राजू पवार जी, जो कि प्रयागराज कुंभ में 10 दिन फोटोग्राफी करके लौटे हैं। हम उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका अनुभव। राजू जी, कैसा माहौल था वहाँ? बहुत, मतलब योगी जी ने बहुत अच्छा, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है। आने वाले को बहुत अच्छी फीलिंग होती थी, बहुत मतलब सुविधाजनक रास्तों से वो समय कम समय में वो संगम स्थल पे पहुंच जाता था। और मुझे इससे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं मतलब किसी बगैर किसी परेशानी के इस मतलब स्नान के लिए मतलब वहाँ पहुंच चुका। दो स्नान आपने कवर किए, एक जो शाही स्नान हुआ मकर संक्रांति के दिन और उसके बाद जो पर्व स्नान था पौष पूर्णिमा का। तो एक आम आदमी अलग नजरिए से देखता है और एक छायाकार की नजर और आगे तक जाकर देखती है, तो कैसा दृश्य बना था और कैसे फोटो बने जी वहाँ पर? जैसे हर प्रांत से, देश से, शहर के अलग अलग विभिन्न जगहों से वहाँ पर लोग पहुंच रहे थे और उन्हीं की सबकी एक ही इच्छा रहती थी कि वो एक संगम स्थल पे जरूर, त्रिवेणी संगम जो है, गंगा जी और जमुना जी के जो मतलब एक मिलाप होता है और सरस्वती जी के बीच में, वहां पर उस जगह पे वो स्नान करें। और निश्चित ही वहाँ बहुत काफी ठंड होती थी, बहुत ठंड होती थी, उसके बावजूद भी लोग सुबह 4 बजे से वहाँ स्नान करना शुरू कर देते थे। संक्रांति पे भी काफी मतलब इतनी भीड़ रहती थी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन लोगों की एक ही मनसा, एक ही आस्था थी कि उन्हें डुबकी लगाना है और गंगा जी का चरण मतलब उसके पानी को मतलब ग्रहण करना। यही मानसिकता से सारे के सारे लोग, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, सारे लोग उस घाट पर पहुंचते थे और उस कुंभ को सफल बनाने के लिए सभी वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे थे। और छायाकार की दृष्टि से मैं वहां पर इस तरीके से फोटोग्राफी करता था कि जो एक छोटा मतलब वहां पर वर्ग का व्यक्ति किस तरीके से कर रहा है और बड़े वर्ग का व्यक्ति किस तरीके से स्नान कर रहा है, सबकी आस्था एक ही जैसी रहती थी। एक डुबकी लगा रहा है, कोई 3 डुबकी लगा रहा है, कोई 11 डुबकी लगा रहा है, कोई पानी अपने उसमें बॉटलों में भर के लेके जा रहा है, कोई तांबे के इसमें लेके चले जाता है। तो वो एक उसको बहुत पवित्र माना गया, उस पवित्र और लोगों की जो आस्था है, बड़े बुजुर्गों ने जिस तरीके से सनातन धर्म में उसका महत्व है, उस सारी मान्यताओं को लेकर ही वहां पर पहुंचा और सारे आधुनिक चीजों को छोड़ के उसका एक ही मकसद रहता था कि मुझे इस गंगा जी में डुबकी लगाना है और मुझे अपने आप को जितने भी मैंने जो कर्म किए हैं वो यहाँ के मतलब विलुप्त करके छोड़ना है। साधु संत भी स्नान करते हैं शाही पर, शाही स्नान पर, तो उसके भी कोई खूबसूरत फोटो बन रहे हैं। हाँ, साधु संतों का एक वो एक बहुत शाही स्नान का एक महत्व रहता है और वो कई सालों तक अपनी तपस्या करने के बाद में वो शाही स्नान पे ही मतलब गंगा जी में अपनी जटाओं को धोते हैं और उसको बाकायदा उस तरीके से गोल घुमा के लेते हैं, तो जो उनकी जटाओं के साथ में जो पानी लहराते हुए निकलता है और वो पानी को जैसे जब वो चढ़ाते हैं, जल को चढ़ाते हैं, तो उधर से सूरज निकलते हुए उनके फिर उसके बाद में एक बड़ा खूबसूरत सा वो एक भभूत सी लगाते हैं, सफेद सी, वो भभूत की खुशबू इतनी खूबसूरत मतलब होती है, इतनी मतलब सुगंध इतनी वो रहती है कि कई परफ्यूम उसके आगे फेल हो जाए, मतलब उस तरीके की सुगंध मिलती है वहाँ। और वो उसके साथ साथ फिर वो अपने ललाट पे अलग अलग तरीके से तिलक लगाते हैं, कोई शिव के भक्त हैं तो कोई राम के भक्त हैं। शिव के भक्त जो होते हैं वो अलग तरीके से अपने है ना, मतलब उसमें त्रिशूल, डमरू और ये लेके आते हैं और उस तरीके से वो उनको भी स्नान कराते हैं और उनको पवित्र करके फिर वहां से निकल के जाते हैं। तो उनके भी एक दृश्य बहुत मतलब अद्भुत दृश्य रहता है और एक ही मतलब शिव भक्त शिव की वो लाला करते रहते हैं और राम भक्त हैं जो वो बैरागी संत हैं वो राम की लीला में तन मतलब। आपने गंगा आरती का एक बहुत खूबसूरत फोटो खींच ली थी और एक ऊंचाई से लिया गया पूरा कुंभ क्षेत्र का फोटो था जी जी, तो इसके पीछे का विजन क्या? सर एक मतलब ऐसा दृश्य था कि वो 45 किलोमीटर के मतलब उसमें मतलब उन्होंने पूरे कुंभ की एक नगरी बनाई थी जिसमें पूरा उसको पंडाल की नगरी और उसका जिला स्तर का उसको दर्जा दिया गया था, प्राधिकरण लेवल पे था। तो एक कैमरे में मतलब एक पूरे दृश्य से वो दिखे, बड़ा खूबसूरत सा नजारा दिखता था। तो वहाँ एक शास्त्री ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज से आप कभी जाएं वहाँ तो जाके देखिएगा, तो दोनों साइड मतलब राइट और लेफ्ट में दोनों साइड में आपको गंगा जी भी दिखेगी और गंगा जी के साथ में वो पंडाल और जिसमें काफी बड़े बड़े संतों के बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं।
उसका एक खूबसूरत सा नजारा देखने को मिला था, तो उसको एक पिक्चर में लेके वो काफी अच्छे खूबसूरत उसको प्रकाशित भी किया गया था। तो दिन में देखने का उसका अलग मजा है, सुबह देखने का मजा बहुत अलग है। तो डूबते हुए सूरज के साथ में और लाइट के साथ में वो एक अलग ही उसका दृश्य देखने को मिला, बहुत खूबसूरत। हमारी नजर में आपने कई अच्छे फोटो खींचे, आपकी नजर में सबसे अच्छा फोटो कौन था? गंगा जी की एक आरती जो मेरे मन में थी कि मुझे ये कवर करना है, और वो गंगा जी की मुझे आरती बहुत अच्छी लगी। और दूसरे ऐसे कई लोग थे वहां पर जो बहुत अमीर होने के बावजूद भी जब वो जल को ग्रहण करते थे, जैसे एक वाक्य मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति जी वहां पर आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी, योगी जी भी आए थे। तो जब राष्ट्रपति जी पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे तो उनके साथ में चलने वाले बहुत हाई अथॉरिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पूरी ड्रेसअप में थे वो उन्होंने कुछ नहीं देखा, हाथ में एक ब्रीफकेस लिया हुआ था, गए गंगा जी में, बाकायदा उन्होंने पूरा माथा टेका और जल को मतलब गंगा जी के जल को अंशुमन लिया और उस तरीके से पूरा घुमा के लिया। वो दृश्य देखने के बाद ये लगा उन्हें कि मन में कहीं ना कहीं तो आस्था है। एक छोटी बच्ची का, मासूम बच्ची को माँ ने स्नान कराया था, वो फोटो आपने पौष पूर्णिमा के दिन लिया था स्नान पे, तो कैसे बन गया वो फोटो, बहुत खूबसूरत? जी हाँ, वो गंगा घाट पे अधिकतर जब हमें कभी कुछ समय मिलता था तो हम घाट के आसपास ही नजदीक में घूमते रहते थे। तो उस घाट पे एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, माँ की लालसा थी कि मुझे इस बच्ची को भी मतलब है ना इतने दूर लेके आए हैं तो इसको भी मतलब निलाना है या फिर उसको मतलब डुबकी लगाना है। तो बाकायदा उन्होंने उसको पानी में डुबा के और ऐसे निकाला और वो जो दृश्य था वो कैमरे में कैप्चर हुआ और उसमें उस माँ की जो खुशी है उस फोटो में देखने लायक है। और मुझे भी मतलब ऐसा लगा था, थोड़ा सा फील हो रहा, कई बार तो उस जो गंगा जी का पानी है इतना बर्फ के समान ठंडा होता था, लेकिन वो दोनों ही ना बच्ची रो रही थी और ना माँ को मतलब कुछ ऐसा था फील, और वो फोटो का दृश्य मेरे आंखों में आज भी मतलब बहुत खुश रहते थे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।